तो फ्रेंड देखिए बहुत ही खूबसूरत शक्करपारे बन के तैयार हो चुके हैं। कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेयर दिख रही हैं इसमें बहुत सारी, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप प्रोपोर्शन का ध्यान रखें, बस आप जितना प्रोपोर्शन बताए उस के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपके शक्करपारे 100% परफेक्ट बनेंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें। फ्रेंड्स, हम कई बार कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं लेकिन उसका प्रपोर्शन हमको इक्वली मालूम नहीं होने की वजह से वो चीज़ बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। उससे फिर हमारा मन भी दुखने लगता है कि अरे हम इतने अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये बना नहीं हमारी रेसिपी। तो फ्रेंड, ऐसे करने के बजाय हम क्या करें, अगर प्रपोर्शन बराबर लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें प्रपोर्शन आपको एकदम करेक्ट रखना होता है। जब तक आप प्रपोर्शन करेक्ट नहीं रखेंगे आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रपोर्शन करेक्ट ले और जो टिप्स और ट्रिक्स दे जाए उसको भी आप फॉलो करें तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो फ्रेंड, इंदौरी किरण किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज आपके साथ में मैं शक्कर पारे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत से व्यूवर्स ने कहा था कि हमारे शक्कर पारे ठीक से नहीं बन पाते, कभी फेल जाते हैं या कभी कड़क हो जाते हैं। तो इस तरह के आपके कंडीशन ना हो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं शक्करपारे की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मैं शक्करपारे की रेसिपी आपको दे रही हूं, तो उसके लिए हमको प्रपोर्शन देख लेना है। तो यहां पर मैदे के शक्करपारे हैं, तो मैंने ये दो बॉल, देखिए दो बॉल रखे हुए जिसको इस तरह से प्लेन कर लिया है मैंने मैदा डाल के, यानी बहुत ज़्यादा उसको ऐसे दबा दबा के भी नहीं भरा है उसको और प्लेन कर लिया। तो ये दो बॉल मैंने यहाँ पर मैदा लिया हुआ है। हमको यहाँ पे मुझे घी लगने वाला है, पानी लगने वाला है, शक्कर लगने वाली, इलायची लगने वाली है और खाने का सोडा लगने वाला है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रपोर्शन जो ध्यान में रखना है उसके लिए मैंने यहाँ पर दो बॉल, जैसे आपको पहले बताया है, तो ये दो बॉल ग्राम में गिनेंगे तो हम ये 200 ग्राम के लगभग होता है मैदा यहाँ पर। इसी तरह से मैंने शक्कर लिए, ये शक्कर दो बॉल जो है उसका 1/4 लेना है। अगर हमने 200 ग्राम मैदा लिया है तो 50 ग्राम हमको शक्कर लेना है, और 50 ग्राम शक्कर लिए तो उसके ही आधी क्वांटिटी में यानी 25 ग्राम यहाँ पर हमको घी लेना है और 25 ml के करीब ही यहाँ पर पानी लेना है। पानी और घी का प्रपोर्शन अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो जितनी शक्कर ली हुई है उसका आधा, यानी ये देख रहे हैं आधा बॉल शक्कर ली है तो उसका भी आधा, यानी 1/4 बॉल यहाँ पर घी लिया है और 1/4 बॉल ही मैंने यहाँ पर पानी लिया है। तो ये प्रपोर्शन ध्यान में रखें आप। और 4 इलायची ली हुई है जो कि हमको फ्लेवर के लिए लगने वाली है, और थोड़ा क्रिस्पी बने इसके लिए हम यहाँ पर खाने का सोडा यूज़ करने वाले हैं। साथ ही फ्राई करने के लिए हमको तेल लगने वाला है। तो अभी मैं आपको इसका डो प्रिपेयर करके बताती हूँ। तो डो प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर बर्तन लूंगी और इसमें दोनों बॉल मैदा के ऐड कर दूंगी। ये मैदा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बस एक पिंच आपको खाने का सोडा लेना है, क्योंकि हमने मोन में घी भी लिया हुआ है तो इसलिए हमको ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मौन में घी गुनगुना ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इस बॉल में जो घी लिया हुआ है वो गुनगुना करके रखा हुआ है, तो मैं वो घी भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ये कर ली है, उस शक्कर को मुझे पाउडर फॉर्म में कर लेना है, तो मैं मिक्सर पॉट में से उस शक्कर को बारीक कर लेती हूँ। इसी पॉट में मैंने ये चारों इलायचियाँ भी ऐड कर दी है, अब इसे पाउडर कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड, ये शक्कर को मैंने बारीक कर लिया है और इलायची भी इसमें बारीक हो गई है। अभी मुझे हमने जो ये डो बनाने के लिए सामान दिया है इसमें घी अच्छी तरह से हमको मिक्स कर देना है, जिससे इसके लम्स ना रहे। अभी फ्रेंड, जो शक्कर इसमें मैं ऐड करूँगी उसको मैं छान लेने वाली, क्योंकि उससे इलायची के जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे।
फ्रेंड देखिए ये शक्कर के कुछ छान लिया है मैंने, जिससे इलायची के छिलके भी ऊपर रह गए और कुछ मोटे दाने थे वो भी हमने निकाल लिए हैं। आप चाहे तो फिर से इसे मिक्सर पॉट में से घुमाकर बारीक कर सकते हैं। शक्कर अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसमें। तो देखिए फ्रेंड शक्कर इलायची मैंने यहाँ पर मिक्स कर दी है। अभी हम पानी जो लिया हुआ है वो पानी को ऐड कर देंगे। ये पानी पूरा ही ऐड कर दूंगी और इसका डो बना लेंगे हम। देखिए फ्रेंड ये जितना घी और पानी था उतने में हमारा ये डो बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको गूंथते जाएंगे तो एक डो फॉर्म में आ जाएगा। हमको अलग से घी और पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शक्कर में पानी छूटता है। आप जब भी डो बनाएं तो डो बनाते समय आप धीरे धीरे करके पानी ऐड करें, घी डाल दें आप पूरा उसमें और पानी डालते समय थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, क्योंकि प्रपोर्शन में क्या हो सकता है, आपका प्रपोर्शन भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है बाउल के हिसाब से। लेकिन इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट होगा। तो फ्रेंड देखिए ये डो बन के तैयार हो चुका है। अभी इसे मुझे क्या करना है, ये कड़क है डो, जो रोटी का लेते हैं उसके कंपेरिजन में कड़क बनता है, तो आप इसे अच्छे से बना लेंगे तो बन जाएगा आपका डो। अभी मुझे इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है जिससे कि ये सेट हो सके। तो मैं इसके ऊपर प्लेट ढक के इसे आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड हमारे डो को आधा घंटा हो गया है रेस्ट करके, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। इसे बस थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है मुझे, स्मूथ मतलब इस तरह से मसल लेना है। इसे अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसके मैं दो पार्ट कर लूँगी, एक पार्ट हम अलग रख देंगे और इसका गोल गोल लोई बना लेना है। और मैंने यहाँ पर तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है, फल्ली तेल लिया है। आप जिस तेल में चाहे उसमें फ्राई कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से ये मेरा बड़ा सा पेड़ा लोई बन के तैयार हो चुकी है। इसे इस तरह से सूखे मैदे में घोल लेना है और इसकी मोटी सी रोटी बेलना है हमको। तो फ्रेंड देखिए ये इतनी थिकनेस रखी है इसकी क्योंकि हमको इसके शक्करपारे मोटे मोटे काटना होते हैं। अगर पतले काटते हैं तो वो भी दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं और लेयर नहीं आ पाती है, और बहुत ज़्यादा मोटे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम काट लेंगे। तो मैं यहाँ पर मन चाहे शेप में इसे हम काट सकते हैं, आपको जो भी शेप अच्छा लगे। मैं पूरी स्ट्रिप्स काट लेती हूँ यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड ये अभी आड़े काट लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे शक्कर पारे कट के तैयार हो चुके हैं। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इस तरह से हमने रखी हुई है। ये आजू बाजू के हैं जो इसे मैं रिमूव कर लूँगी। हमको बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं चाहिए फ्राई करते समय। बहुत ज़्यादा अगर गरम होता है तो क्या होता है, अंदर तक क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं वो और ऊपर से जल जाते हैं। अभी हम डाल के चेक कर लेंगे एक शक्कर पारा तेल गरम हुआ या नहीं। बस इतना ही हमको चाहिए कि ये नीचे जाके बैठ जाए तले में और इस तरह से बुलबुले निकलते रहें। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है हमको। तो बाकी शक्कर पारे मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड देखिए ये आप देख पा रहे हैं ये शक्कर पारे धीरे धीरे से ऊपर आ रहे हैं।
ये सारे जो नीचे बैठे हुए शक्कर पारे वो सब ऊपर आ जाएंगे अभी, और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई शक्कर पारा बिखर भी नहीं रहे, ये अच्छे से हो रहे हैं। तो आप जब तक ऊपर नहीं आ जाए शक्कर पारे, आप उसे हिलाए नहीं, जब सब ऊपर आ जाते हैं तब उसके बाद में आप उसे घुमा दीजिए। शक्कर पारे मैंने जब यहाँ पर ऐड किए हैं तब मैंने फ्लेम यहाँ पर लो ही रखी है, लो फ्लेम पे ही हमको पूरी तरह से ऊपर आने देना है उनको। जब पूरी तरह से ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद में हम एक दो बार उसे घुमा लेंगे, और उसके बाद में आप तेज करें, इसको तलने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। तेज मतलब आपको मीडियम लो रखना है, फुल नहीं करना है और फास्ट भी नहीं करना है। फ्रेंड्स देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये सारे शक्कर पारे जो नीचे बैठे हुए थे वो ऊपर आ चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा इसे हल्का सा इस तरह से कर देंगे। और इसे होने देंगे। फ्रेंड देखिए, हमारे ये शक्कर पारे किस तरह से दिख रहे हैं, अच्छे से फूल गए हैं, इसमें लेयर भी आ रही है। अभी मुझे इसको थोड़ा मीडियम कर देना है, तो मैं मीडियम गैस कर दूंगी। यहाँ पर मीडियम लो ही रखे हैं, ये मीडियम कर दी है मैंने गैस। फ्रेंड देखिए, ये हमारे शक्कर पारे देख पा रहे होंगे कितने सुंदर दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, और ये ना बिखरे हैं ना बिगड़े हैं, और अच्छी से लेयर भी दिख रही है इसमें। तो अभी मैंने गैस को लो कर दिया है और हम इसे निकाल लेते हैं। जब इस तरह का कलर आ जाए, पिंकिश कलर हो जाए, तब आप उसे निकाल लें। तो इस तरह मैं पूरे शक्कर पारे निकाल लेती हूँ। फ्रेंड आपको शक्कर पारे हैं जो थोड़े लाइट कलर में ही निकाल लेना है, क्योंकि ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, क्योंकि इसके तलने की प्रोसेस जो होती है वो निकालने के बाद में भी शुरू होती है, तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया शक्कर पारे लेयर वाले दिख रहे हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ और बाकी भी निकाल लेना है। तो इस तरह से ये हमारी सेकेंड बैच शक्कर पारों की हो चुकी है। गैस ऑफ कर दूंगी। तो फ्रेंड देखिए, ये आपको इस बढ़िया सी लेयर दिख रही है, इसे मैं अंदर से काट के बताऊंगी। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ये एकदम खस्ता बना है। इसे हाथ से दबाएंगे तो ये देखिए ये इस तरह से हो जाता है। ये दूसरा भी शक्कर पारा कोई सा भी देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया खस्ता बने हैं और बहुत टेस्टी बने हैं खाने में। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही खूबसूरत शक्कर पारे बन के तैयार हो चुके हैं। कलर भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेयर दिख रही हैं इसमें बहुत सारी, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप प्रोपोर्शन का ध्यान रखें, बस आप जितना प्रोपोर्शन बताए उस के अकॉर्डिंग लेंगे तो आपके शक्कर पारे 100% परफेक्ट बनेंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहें, प्रसन्न रहें।